गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जीके में पेज नंबर 10, वर्ल्ड ऑफ कॉमिक्स। जो वर्ल्ड की जो कॉमिक्स हैं उनके बारे में और कुछ कैरेक्टर्स हैं उनके, जो कुछ डायलॉग्स भी इसमें दिए हुए हैं और कुछ कैरेक्टर्स के नेम हैं उनके साथ। फर्स्ट है द एंग्रियर आई एम, द माइटर आई बिकम, एंड देन आई कैन स्मैश एनीथिंग इन टू पीसेस। पहले मैं आपको मतलब बता देती हूँ, एंग्रियर यानी एक, एंग्रियर मतलब क्रोधित यानी बहुत ही गुस्से वाला, माइटर यानी पावरफुल स्ट्रांग, स्मैश यानी तोड़ना, इसका मतलब है मैं जब बहुत ही क्रोधित होता हूँ तो मुझ में एक ऐसी शक्ति आ जाती है या मैं बहुत ही स्ट्रांग हो जाता हूँ या पावरफुल हो जाता हूँ, तो मैं किसी भी चीज़ को तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। वो है हल्क, जो एक सुपर हीरो है जिसका असली नाम है डॉक्टर ब्रूस बैनर, जो एक साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट है बिफोर जॉइनिंग हैंड्स विद शील्ड आई वॉज अ सोवियत एजेंट। जब इसमें ये कह रही है कि जब मैं सोवियत एजेंट यानी रूस की क्रांतिकारी शासक थी, उसके बाद मैंने एक सुपर हीरोज़ की एक टीम यानी एवेंजर्स जिसे कहते हैं उसको ज्वाइन करा, वो है ब्लैक विडो। कौन है वो ब्लैक विडो, जिसका असली नाम जो आज है वो है नताशा। नेक्स्ट है आई एम अ वॉरियर प्रिंसेस, यानी मैं एक योद्धा राजकुमारी, एंड आई पॉजेस ब्रेसलेट्स, मेरे पास में ऐसे ब्रेसलेट्स हैं जो मुझे मतलब वो जो ब्रेसलेट्स है वो मुझे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, यानी मुझ में एक अलग, एक सबसे ज़्यादा मतलब शक्तिशाली ताकत प्रदान करते हैं, वो है वंडर वूमेन, जिसका नाम है डियाना। आई एम फ्रॉम द प्लैनेट क्रिप्टन, यानी मैं प्लैनेट क्रिप्टन से आया हूँ। कौन है वो सुपरमैन। आई एम अ पेट्रियोटिक सोल्जर, मैं एक देशभक्त सैनिक हूँ। विद अ स्टार्स एंड स्ट्रिप शील्ड, मेरे मतलब जो स्टार्स, मेरे पास में जो स्टार्स हैं और जो स्टार्स के जो एक सर्कल होता है बेटा, जो स्टार होता है उसके जो सर्कल होता है ऐसा, उसको बोलते हैं स्ट्रिप्स। वो कौन है, कैप्टन अमेरिका, जिसका नाम है स्टीव रॉगर्स। आई एम द किंग ऑफ सेवन सीज, यानी सात समुद्रों का राजा, वो है एक्वामैन। आई एम द ओनर ऑफ स्टार्क इंडस्ट्रीज, जो स्टार्क इंडस्ट्री का जो ओनर है वो है आयरन मैन, जिसका नाम है टोनी स्टार्क। थैंक्स।